उस्ताद जी, पहले तो अपना तारफ कराइएगा, आपका क्या नाम है और जो आपने बांसुरी का जो शौक है ये कब से आपको शौक है, थोड़ा सा इसके हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा। जी मेरा जी बचपन से शौक है। मैं 7 साल का बच्चा था ना, तो ये बैंसी का मुझे इतना शौक था कि बजाशी मैं जब बैंसी लेके बजाता था ना, तो जो मसीकार जो बंदे थे ना मसीकार, वो मुझे कहते थे यार मैं छोड़ के जाता हूँ, कैसे इतना उतना बैंसी यार दोबारा बजाओ थोड़ी सी। तो मैं जब बजाता था ना, तो वो मुझे कहते थे यार इस टैलेंट को तुमने खोना नहीं है, कि तुम्हारे कुदरती को बैलेंस तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है। तो मैं कहता था बच्चा था, खेलता था मैं आगे पीछे, मगर बंदे मुझे इस क्लासिकल बंदे होते ना मुझे बुला लेते थे, बुला के मुझे कहते थे ये बजाओ यार। जब मैंने बजाना तो उन्होंने बहुत खुश होना। फिर मैं मेरा खानदानी काम में ये मेरे बड़ों का ये रागों का राग हमारे घर के हैं, जो राग है ना ये हमारे घर के हैं, उनके घर में हमारी तालीम होती है। हमारे बुजुर्ग जो हमें जब बड़े हुए हम उन्होंने हमें रियासत कराई रागों की, राग मारवा बजा लें, पुरिया बजा लें, एमन बजा लें, टोड़ी बजा लें, आप जितने राग थे ना मालकोंस बजा लें, बाड़ी बजा लें, फिर हमारी वो रियासत कराते थे। और जितनी भी हम रियासत करा लेते थे ना, तो वो कहते थे बेटा अभी काम है। जितनी भी हम रियासत करा लेते थे, जितनी भी अच्छी वो दुनिया कहती थी, वो कहते थे कुछ भी नहीं अभी बेटा, अभी तुमने और होना है। 30 साल तक वो रियासत नहीं कराते रहे हैं, जितनी रियासत कराते रहे हैं, फिर वो मुझे लाहौर लेके गए हैं, पिंडी लेके गए हैं, ऐसी जगह पर लोगों ने कहा जी बिल्कुल। फिर मैंने जब दुनिया पूरी गया हूँ जवानी में हर जगह पर, मेरा ये खानदानी वैसे। आपने अपना नाम नहीं बताया, आप जेहलम में कौन से इलाके से रहने वाले हैं? जेहलम के लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि आप बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, तो जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं जो बांसुरी का शौक रखते हैं, उन्हें क्या आप पैगाम देंगे कि किस तरह वो अपने इस फन को ज़्यादा उजागर कर सके? अगर वो ये बजाएंगे ना बांसुरी, ज़्यादा तालीम वाला जो लड़का जो पढ़ता है, अगर वो उसको बजाएगा ना सारे काम बात निशा जो बजाएगा, उसकी तालीम में इतना को अच्छा हो जाएगा वो, कि ये बड़ा जहनी काम है, इतना अच्छा पढ़ेगा कि दूसरा बंदा नहीं वो पढ़ सकता। जो बैंसी बजाने वाला लड़का बजाने ये बजा के पढ़ेगा, उसकी तालीम में बहुत उसको जो है ना मालूम मिलेगी। ये एक इलम है, हमारे बड़े कहते थे कि तुम बेटा जब बजाओगे तो पढ़ने लगोगे। मैं स्कूल एक दिन भी नहीं गया, मुझे कोई चाहे उर्दू में पढ़ा लो, उर्दू का मैं मुझे बैंसी की बजा सकता। जहनी बड़ा काम है ये लड़कों के लिए, उनके लिए पैगाम है ये, अगर वो थोड़ा सा ये हासिल करें तो उनकी तालीम में बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छा पढ़ेंगे वो। अभी हमें मियां मोहम्मद बख्श साहब का कौन सा कलाम सुनाएंगे? मियां मोहम्मद आप जो कहेंगे हुसैन बख्श साहब भी हैं जी, हुसैन बख्श गुलकार बड़ा अच्छा, उनका पंजाबी एक बड़ी अच्छी मियां साहब की, हुसैन बख्श की पंजाबी बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मुश्किल है मगर हर बंदा नहीं कर सकता। Thank you.
थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, अपने जेल में कौन से इलाके से रहते हैं, इसके हवाले से थोड़ा हमारे देखने वालों को बताइएगा। शानदार चौक में हमारा अकेडमी थी पहले, शानदार चौक में, तो हम आए इस मले में, नया मला में हमारी जाँच है इस वक्त, नया मला ही शुरू के लिए नए मले के यहाँ। तो मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी, तो उस्ताद सलीम मुझे कहते हैं लोग, काफ़ी सारी दुनिया जानती है, स्टूडेंट लड़के बहुत जानते हैं, उस्ताद सलीम मेरा नाम है। बैंसी के वाले से मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, हालांकि और साथ में बड़े जाता हूँ, मगर ज़्यादा बैंसी के वाले से लोग मुझे ज़्यादा प्रमोट करते हैं और मुझे कहते हैं उस्ताद बैंसी भी आप। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, वालद का नाम जाफर हुसैन है और जेलम के नई मले के हम नई मले। तकरीबन कितना अरसा हो गया है आपको बांसुरी बजाते हुए? आपने बताया कि बचपन से आप बजा रहे हैं, तो अभी कितना टाइम हो गया आपको बांसुरी? मुझे जी 32 साल मुकम्मल हो गया बजाते हुए, 32 साल। तो रियासत मेरी उस वक्त भी कम से कम, छोटा बच्चा था मैं उस वक्त भी, मैं रियासत में ही था, क्योंकि बाद रियासत करवाते थे बहुत अच्छी किस्म की, वो मानते नहीं थे, जो ना मैं अच्छा बजाता था वो कहते थे कुछ भी नहीं है जी, तो वो बहुत डैडी आदमी थे, वो कहते थे मैं कह दूँगा आप अच्छे हैं तो फिर तुम कहो कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो मुझे बहुत रियासत हमारी सख्त कराते थे, वो बहुत टैलेंट था उनके पास, बहुत राग थे उनके पास। आप 32 साल से इस चीज़ पे रिहर्सल कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि आपने मुकम्मल सीख लिया है या अभी सीखने का अमल जारी है? मुकम्मल तो जी ये 100 साल में भी नहीं आता, मुकम्मल तो ये 100 साल में भी नहीं आता, कोई ऐसा दुनिया का बंदा नहीं जो कहेगा मुझे मुकम्मल आ गया, आता नहीं है जी, ये काम ही ऐसा है, मगर कुछ रुपये में कुछ थोड़ा सा एक क्यों नहीं, मगर कोई बंदा मुझे कह नहीं सकता मैं किसी के पास जाऊँगा ना, तो मुझे मैं इतने खर्च बैंसी के जानता हूँ कि किसी के पास 30 भैंसियाँ होंगी तो होंगी, मेरे पास एक ही भैंसी बहुत है, तो मैं सारे घर जानता हूँ, मगर कह नहीं सकता कि मैंने मुकम्मल पा लिया ये, कोई बंदा मैं तो क्या कोई और भी नहीं कह सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है, समुंदर है ये, थोड़ा सा पता चला है बस, ये कुदरत की मेहरबानी है। अभी हमें क्या सुनाएंगे आपको? पंजाबी कोई नूरजान की चीज़ सुना दूँ, नूरजान की चीज़ बजा देता हूँ।